बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज है मेरे हस्बैंड की बर्थडे, तो उसके लिए मैं जो है वो केक वगैरह प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इसकी वीडियो शेयर की जाए। तो आइए देखते हैं कि चॉकलेट केक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं। तो मैंने 3/4 कप जो है वो पाउडर शुगर ली है, 1 कप मैंने ऑल पर्पज़ फ्लोर लिया है, 2 टेबल स्पून लिया है मैंने कोको पाउडर, 1/2 कप लिया है ऑयल, 1 टीस्पून जाएगा इसमें वनीला एसेंस और 2 टीस्पून जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर। 4 अंडे भी लिए हैं मैंने। मैंने बाउल में जो है वो ऑयल, 1/2 कप ऑयल और 3/4 कप पाउडर शुगर डालकर अच्छे तरीके से मैंने हैंड मिक्सर की मदद से इसको मिक्स कर लूँगी। जब शुगर और ऑयल वाला मिक्सचर जो बिल्कुल फ्लफी हो जाएगा, तो इसके अंदर मैं एक एक करके एग एग शामिल करूंगी। और यहाँ मैंने जो है वो मोल ले लिया है, उसको मैंने अच्छे तरीके ग्रीस करके रख लिया है। अब इसमें मैं एक 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 करके जो है वो एग शामिल करूँगी। मैंने एक जो है वो एग डाला है इसमें, और अब जो है इसमें मैं 1 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑल पर्पज़ फ्लोर डाल रही हूँ और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अब मैं सेकेंड एग जो है वह इसमें डालूंगी और साथ ही 1 टेबल स्पून ऑल पर्पज़ फ्लोर डालूंगी साथ। अच्छा, मैंने जो ऑल पर्पज़ फ्लोर लिया है वो फ्लोर मैंने उसी क्वांटिटी में लिया है, 1 कप की क्वांटिटी में। इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा नहीं डाला है इसमें, उसी में से मैं शामिल करती जाऊंगी। अब इसमें थर्ड एग जो है वो शामिल कर रही हूँ और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून जो है फ्लोर डालूंगी और फिर इसे विस्क करूंगी। अब इसमें 4th एग जो है मैंने शामिल कर दिया है और साथ ही 1 टेबल स्पून फ्लोर डाला है और फिर से विस्क करूंगी। आप देख सकते हैं कितना फ्लफी बना है इसका मिक्सचर। अब मैं जो है ट्राई इंग्रेडिएंट लेकर उसे मैं किसी छलनी की मदद से सबको मैं छान लूंगी। और अब आहिस्ता आहिस्ता इसे मैं इसमें डाल के शामिल करूंगी। साथ ही मैंने इसमें जो है 1 टीस्पून जो है वो वनीला एसेंस भी डाल दिया है। और अब आहिस्ता आहिस्ता सारा जो ये ड्राई इंग्रेडिएंट हैं वो भी डाल दिए हैं मैंने, और इसे मैं विस्क नहीं करूंगी अब, इसे सिर्फ फोल्ड करूंगी ताकि अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए और इसमें कोई लम्स ना रहें। मैंने स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे मोल में डाल रही हूँ। अब मैं तकरीबन इसे 40 से 45 मिनट के लिए जो है वो बेक करूँगी। मैं पतीले में बेक कर रही हूँ उसे। और अब मैं चिकन मलाई बूटी बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने चिकन ली है बोनलेस, उसको मैंने क्यूब्स में काट लिया था 1/2 केजी, और उसके अंदर मैंने डाल दिया है चिली, ग्रीन चिली पेस्ट, और 2 जो है वो मैंने ग्रीन चिलीज ली थी उसको भी चॉप करके डाल लिया है। और इसमें अब मैं
1 टेबल स्पून जो है वो ग्रीन चिली, वो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। 1 टीस्पून जो है इसमें मैंने विनेगर डाला है। 1.5 मुझे, मैंने थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दिया था, 1.5 टीस्पून डाला है मैंने विनेगर। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून योगर्ट के। वन टेबल स्पून से मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। वन टीस्पून जो है वो मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है इसमें। और सॉल्ट डाला है मैंने टेस्ट के मुताबिक। अब मैं इसमें क्रीम शामिल कर रही हूँ। क्रीम मैंने ली है 2 टेबल स्पून करीब, और वो डाली है इसमें मैंने। और इसको अच्छे तरीके से स्पेशल मैं ऐसे मिक्स कर रही हूँ, और इसे मैं 2 घंटे के लिए मैरिनेशन पर रखूँगी। और फिर इसको मैं बारबेक्यू करेंगे हम लोग। अब मैं इसे मैरिनेशन के लिए मैंने रख दिया है इसे। आप इसे रेफ्रिजरेटर में रख के भी मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं अगर ज़्यादा गर्मी हो तो। मैं इसे नहीं रखूँगी क्योंकि मुझे अभी बनानी है 2 घंटे बाद ही, तो इसलिए मैंने बाहर ही रख दी हूँ। और अब मेरा जो केक है वो बेक हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त स्पंज तैयार हुआ है इसका, ये आपको टेस्ट करवाती हूँ मैं जी। अपने यखनी पुलाव की तरफ, ये खतरी यखनी पुलाव है, ये बहुत चटपटा और मज़ेदार बनता है। इसके लिए मैंने बीफ लिया है 1/2 kg बोनलेस है। और इसमें मैंने प्याज, एक दो प्याज ली है मैंने मीडियम साइज़ की, उसको मैंने चॉप कर लिया था बीच में से, कट कर लिया था सॉरी। और 7-8 हरी मिर्चें ली थी और उसको भी मैंने बीच में से कट करके डाल दिया है। और अब टू टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, और पुलाव मसाला डाला है मैंने इसमें। मैंने घर में पीसा था, आपके साथ बहुत जल्दी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। अब मैं सौंफ डाल रही हूँ उसके अंदर, इसको मैंने क्रश कर लिया है। 1 टेबल स्पून करीब मैंने सौंफ डाली थी, और 10 से 12 मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाला है यानी काली मिर्चें। सॉल्ट डाला है मैंने टेस्ट के मुताबिक। और इसमें मैंने धनिया भी डाला था पिसा साबुत धनिया, उसको मैंने क्रश कर लिया था, वो मैंने मसाले में ही शामिल कर लिया था जो मैंने पुलाव मसाला तैयार किया था उसके अंदर। बहुत जल्द आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर करूँगी मैं। मैंने अब इसमें मैंने जो है वो 3 गिलास पानी डाला है। और अब इसमें प्रेशर के लिए इसको मैं रख, एक पैन में मैंने जो है प्याज डाल दी है गोल्डन ब्राउन होने के लिए। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी इसे मैं निकाल लूँगी। और मैंने निकाल ली है प्याज। अब मैं इसमें जो है वो 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक, वो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। और गरम मसाला है मैंने निकाला था, इसमें जायफल जावित्री थी, दालचीनी थी और लौंग वगैरह थी 3-4, वो सब मैंने डालकर इसमें अब टमाटर हरी मिर्चें डाल दी हैं। 2 टमाटर लिए थे मैंने बड़े साइज़ के, उसको मैंने क्यूब्स में काट लिया था। 4 हरी मिर्चें ली थी, उसको भी मैंने बीच में से कट लगा दिया था। और 4-5 तेज़ पत्ते भी डाले हैं इसमें मैंने। और ये मसाला मैंने हल्का सा थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने फ्राई कर लिया था। जैसे मसाला भून गया था इसे मैंने यखनी ऐड कर दी थी। देखिए मसाला ये भून चुका है, अब मैं इसमें यखनी डाल रही हूँ। जो हमने बीफ की, बीफ पुलाव के लिए जो यखनी तैयार की थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और अब साथ ही मैं इसमें जो है वो 7-8 आलू बुखारे डाल दूंगी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बना था ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने ये 1/2 kg ही राइस लिए हैं बासमती राइस, वो डाल दिए हैं मैंने। इसको मैंने 2 घंटे के लिए जो है वो सोक कर लिए थे पानी में, तो माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त पुलाव तैयार हो चुका है।
और बहुत ही अच्छा एरोमा इसमें से आ रहा था। खीरे के लिए चावल बने थे बहुत। असल में ये सब तैयारी मेरे हस्बैंड की, आज बर्थडे है तो स्पेशली उनके लिए ये सारी डिशेस बनाई थी मैंने, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर की जाए। माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त पुलाव बना है। अब मैं इसमें जो मैंने ब्राउन जो प्याज मैंने फ्राई की थी वो मैं इसमें इस पे गार्निश कर दूंगी। और अब मैं जो है वो केक की जो है वो करूंगी आइसिंग। उसके लिए मैंने जो है वो व्हिपिंग क्रीम ली है, एक कप मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। उसको मैं अच्छे तरीके से विस्क कर लूँगी। मेरे पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो मैं हाथ की मदद मैं विस्कर की मदद से इसे विस्क कर रही हूँ। माशाल्लाह उससे ही बहुत अच्छी विस्क हो गई थी, साइज़ में बहुत डबल हो गई थी ये। इसको अच्छे तरीके से बस आपने बिल्कुल चिल होनी चाहिए ये, और फ़ौरन ही उसे आप निकाल कर और उसको विस्क करेंगे तो आपकी भी बहुत अच्छी विस्क हो जाएगी, विप हो जाएगी। और साइज़ में जब डबल हो जाए तो समझ लें कि आपकी जो है व्हिपिंग क्रीम तैयार हो चुकी है टॉपिंग के लिए। ये देख सकते हैं आप। अभी भी सर्विस करूंगी मैं। यह विस्क हो गई है अच्छे तरीके से। और अब मैं जो है वो चॉकलेट गनाश तैयार कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 1 कप जो है वो फ्रेश क्रीम ली थी, और उसके अंदर मैंने ये 1/2 कप चॉकलेट चिप डालकर उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था डबल बॉयलर पर। और ये गनाश जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसका स्पंज निकाल लूँगी। ऊपर वाला साइड जो है मैंने कट करके निकाल दिया था, वो मैंने निकाला था थोड़ी सी इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए, लेकिन वो मेरे बच्चे जो है वो खा गए थे। सेंटर से मैंने दो दो पीस कर लिए हैं इसके केक के। ये जो मैं ऊपर से निकाल रही हूँ ये मैं अलग करके रखा था ताकि मैं इसे निकाल लूँ के गार्निश कर लूँगी साइडों पर, लेकिन वो जब मैं तैयार कर चुकी तो पता चला कि वो गायब हो चुका था। मैंने एक प्याली के अंदर जो है वो सादा मिल्क ले लिया था, और इसके अंदर 1 टेबल स्पून चीनी डाल के उसको अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया था। और वो एक ब्रश मैं इसके ब्रश की मदद से एक ब्रश में से इसके ऊपर अच्छे तरीके से इसको मिल्क से कोट कर दूंगी ताकि ये जो है बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी हो जाए केक। और थोड़ी सी क्रीम के अंदर मैंने जो है वो चॉकलेट गनाज ऐड कर लिया था व्हिपिंग क्रीम के अंदर, और फिर इसको मैं नीचे और ऊपर जो है अच्छे तरीके से ड्रेसिंग कर दी थी इसकी, इसको कोट कर दिया अच्छे तरीके से मैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए क्रीम बहुत जल्दी मेल्ट हो रही थी। तो मैंने पहले इसको हल्का सा मैंने सेट करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दिया था, फिर इसके बाद दोबारा से इसे जब थोड़ा सा ये कूल हो गया था और क्रीम अपनी जगह पर सेट हो गई थी तो फिर मैंने निकाल के इसकी कंप्लीट ड्रेसिंग की थी।
अच्छे तरीके से मैंने क्रीम को जो है सारी साइडों पर अच्छे फैला कर स्प्रेड कर दिया है, और अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए। और अब जो है वो मैं पूरियाँ रेडी कर रही हूँ। मैंने पहले से इसका डो रेडी कर लिया था और उसको मैंने रख दिया था रेस्ट के लिए, और अब मैं फ्राई कर रही हूँ पूरियाँ स्पेशली मलाई बूटी के लिए जो हम बारबेक्यू करेंगे। तो ये फ्राई हो चुकी है। माशाल्लाह देखिए सॉफ्ट बनी बनी है ये। और अब ये जो है मलाई बूटी को हमने बारबेक्यू किया था तो उसके लिए इसको सीखों पे लगा दिया है। माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है ये हमारी मलाई बूटी, और अब ये निकल रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा दस्तरखान रेडी है। आपको मैं चावल पुलाव निकाल के भी दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं कितने कितने ज़बरदस्त चावल बने हैं, किले किले, और बहुत ही मज़ेदार था ये पुलाव। सो व्यूवर्स ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर किया करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले मिलें। जी ये केक तैयार हो गया है, कट केक कट हो रहा है बस। अब माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना था ये भी, और टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार था, बहुत टेस्टफुल था। पापा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू पापा, हैप्पी बर्थडे टू साइड से नहीं कटा आज से नहीं कटा आ पापा। सो व्यूवर्स फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना और अपने प्यारों को रखें बहुत सारा ख्याल, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।